एन तहलका न्यूज। फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करते थे। दरअसल इस गिरोह पर 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी के आरोप हैं और देश के करीब 21 राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह की 6 सदस्य की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। दरअसल फरीदाबाद पुलिस की NIT जोन की साइबर थाना पुलिस को 24 जून को एक शख्स ने शिकायत की थी कि उससे एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर 6,80,000 का फ्रॉड किया गया है। सूचना पाकर साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। इस मामले में मुतीब अहमद, मोहम्मद फयाज, ललित मोहम्मद फहीम तथा शहबाज अहमद उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक मोबाइल फोन, एक चेकबुक तथा 3,97,000 रुपए बरामद किए हैं। साइबर थाने के SHO बसंत कुमार ने बताया कि ये गिरोह करीब 1.5 साल से ऑपरेट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी नेहा की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। पुलिस के मुताबिक अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार ये लोग 335 लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 118, राजस्थान में 33, तेलंगाना में 33, गुजरात में 27, दिल्ली में 24 तथा केरला में 19 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी हरियाणा में भी साइबर ठगी की 8 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, एक गिरोह पकड़ा है जिसमें बता रहे हैं कि एयर एशिया के नाम पे उन्होंने ठगी की और चीट किया कि नौकरी लगवाएं। पूरा मामला है क्या, किस तरह से आपके संज्ञान में आया? सुभाष मौर्य जी हैं जो हमारे कंप्लेनेंट थे, NIT के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी थी कि बोल भाई, मैंने अपना जो डाटा है नौकरी के लिए रिज्यूम डाला था sign.com पर, naukri.com, sign.com जैसा कि रिज्यूम लेती हैं, और उस पर रिज्यूम डालने के बाद मेरे पास कॉल आती है कि बोल भाई हम आपको नौकरी लगा देंगे। नौकरी के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस हो गई या नौकरी पर, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद कई ऐसे स्टेप्स बनाकर उन्होंने स्टेप्स के नाम पर 3 अलग अलग खातों में उनसे 6,80,000 रुपये ले लिए थे, जो एयर एशिया में उसको वेंडर या ग्राउंड्समैन या इसी प्रकार की कई और नौकरियों का लालच दिया गया था। उसके पश्चात हमने उस पर टेक्निकल वर्क किया। टेक्निकल वर्क करने के पश्चात हमने इसमें दिल्ली, बिजनौर और संभल UP से 5 आदमियों को गिरफ्तार किया, जिन पर लगभग 335 मुकदमे पूरे भारतवर्ष में मिले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 118, राजस्थान के 33, तेलंगाना के 33, गुजरात के 27, इस तरह करके कुल 23 स्टेट्स में 335 इन पे कंप्लेंट्स और FIR निकली है। तो इसी सभी को इसी नौकरी लगाने का झांसा दिया उन्होंने सभी को, या अलग तरह का? इसी तरह से एशिया में नौकरी लगाने के नाम पर ही वहां से रिज्यूम लेते और ये कॉल करते थे। तो इससे पहले भी ये क्या गिरफ्तारी हुई इन लोगों की? इससे पहले इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहली बार गिरफ्तारी हुई है। दरियागंज में, दिल्ली में अपना कॉल सेंटर चला रहे थे। इसमें जो हमने 5 अरेस्ट किए हैं उनमें से मुतीब नाम का जो आदमी है और मोहम्मद फहीम, ये मेनली कॉल सेंटर को चला रहे थे। एक लड़की नेहा वहाँ इनका कॉल सेंटर देख रही थी, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुई है, इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। शहबाज अहमद और ललित, इनको सिम और अकाउंट्स देते थे, जो हमने शहबाज को दिल्ली से अरेस्ट किया, ललित को हम बिजनौर से अरेस्ट करके लाए। कुल 5 लोग इसमें अरेस्ट हुए। तो अभी इसमें से कुछ रिकवरी भी हुई है, क्या क्या रिकवरी? रिकवरी हुई है इसमें कुल 3,97,000 रुपए कैश रिकवर हुए हैं, 2 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर व वारदात में प्रयुक्त बैंक खाते की चेकबुक भी हम रिकवर कर चुके हैं। तो जो बाकी स्टेट्स में मुकदमे दर्ज हुए उनसे भी आपने ये जो सिस्टम है हमारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर हम अपना डाटा भेजते हैं, जो इनसे हमसे मोबाइल सिम वगैरह रिकवर होते हैं, तो उस डाटा से कनेक्टिविटी जो हमारा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन है उस पर पूरे देश का डाटा है, वहाँ से उनको कनेक्ट करके और जिस जिसका वो निकलता है उनको कंसर्न को वो वहीं से मैसेज कर देते हैं। जैसे कि इसमें मेरे पास कॉल भी आ चुकी है, तमिलनाडु से आई है, उन्होंने मेरे से इनकी जो कन्फेस किया है या इनकी जो रिकवरी हुई है उसके बारे में पूछा है। तो अब तक तो ये करोड़ों रुपए का इस तरह से, अगर एक कैंडिडेट से ये 6,80,000 और 90,000 रुपए किया है, तो इस तरह से करोड़ों रुपए कर चुके होंगे। इनकी हमने जो स्टेटमेंट्स ली हैं, हमारे जो खाते थे इसमें जो यूज हो रहे थे उसमें इन्होंने 40 से 50 लाख रुपए उस खाते में आदान प्रदान हुए थे। बाकी जो स्टेट्स हैं उनका जो वही बता सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ है, लेकिन
जिस प्रकार से इनका सारा चीज़ हमारी आई है सामने में, तो काफ़ी बड़े स्तर पर इन्होंने फ्रॉड को अंजाम दिया है। कब से ये लोग ये काम कर रहे थे, कितने समय से एक्टिव थे? पिछले 1.5 साल से ये एक्टिव थे। और इनकी सबकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? इनमें से जो मुतीब है वो 12वीं पास है, फयाज़ 10वीं पास है, फ़हीम जो है वो BA है, शहबाज अहमद और ललित जो हैं ये BBA हैं। तो जब इस तरह से लोग चीट करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रकम डलवाते हैं, तो लोगों को डाउट नहीं होता कि भाई चलो रजिस्ट्रेशन फीस है तो शायद 1000-2000 या इस तरह का कुछ होगा, लेकिन ये लाखों रुपए में फीस लेते हैं, तो लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से समझदारी दिखाएं? देखिए बिल्कुल आप सही क्वेश्चन आपने पूछा है कि 10-5 हज़ार रुपये मेरी समझ में आता है कि मैं रजिस्ट्रेशन कहीं देता हूँ, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे बाद में अकाउंट में पैसे डलवाती है, या आपको कोई अकाउंट देती है, या कोई आपको किसी भी प्रकार के वॉलेट में पैसे डलवाती है। आप सिर्फ वहाँ पर अप्लाई करके अपना रिज्यूम भेजते हैं, रिज्यूम के बेसिस पर आपको कॉल करती है, और कॉल करने के बाद आपका इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू के बाद नौकरी के बाद वो आपको ही पैसे देगी, आपको तनख्वाह देगी। ऐसी तो कोई कंपनी, मैंने भी काफ़ी सारे पहले से इंटरव्यू दिए हैं, काफ़ी सारे रिज्यूम भेजे थे, तो मेरे से तो किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। तो इस बात के लिए हमें सावधान रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किसी भी फैसिलिटी के लिए जब तक व्यक्ति हमारे सामने ना हो, हम उसको वहाँ जाकर पर्सनली वेरीफाई ना कर लें, हम बात ना कर लें, उसको रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ना देख लें, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट किसी खाते में नहीं करनी चाहिए। अभी इसमें कितनी गिरफ्तारियाँ बाकी बकाया है? एक नेहा नाम की लड़की गिरफ्तारी बकाया, बाकी सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। थैंक यू। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।